पूरे प्रदेश भर में अवैध कब्जों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा पुलिस विभाग को भी इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि अवैध कब्जों को लेकर सख्ती दिखाई जाए। ऐसे में हाथरस में एक पुलिस कर्मी के परिवार पर ही अवैध कब्जे का आरोप लग रहा है। क्षेत्रीय लोग इस पूरे प्रकरण में उप जिला अधिकारी ने जाँच के आदेश कर दिए है और किसी को भी दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। और मैं सामने गुलाब बाग के अंदर रहता हूँ। ये हमारे बराबर से रास्ता थी, इधर पीछे प्राइमरी स्कूल है। जब से मैं 40 साल से मैं रहता हूँ, जब से मैं स्कूल देखता हूँ, यहाँ तो बच्चे लोग यहाँ होके ही जाते हैं। पर कुछ समय पहले यहाँ पानी भर गया था, तो ये पुलिस में जो भी करते हो, कांस्टेबल हो या दरोगा हो, पता नहीं, पर एक बार गिरने के बाद इन्होंने ज़बरदस्ती इसमें ये दीवार लगा दी दोनों तरफ से। उसके बाद ये अपनी दबंगई दिखाते हैं और एक पानी का प्लांट इसमें पहले उन्होंने किराए पर दिया था एक यादव जी बाढ़ वालों को, उनका पूरा प्लांट निकाल के बाहर रोड में फेंक दिया बदमाशी से। बाद में इनका फैसला जो भी हो पता नहीं हो, तो पर हमारी आम रास्ता यहाँ जाने के लिए उन्होंने बंद कर दी है। क्या नाम है पुलिस वाले? विजय पाल सिंह नाम है और लगभग ये टप्पल में नौकरी करते हैं, थाने में, टप्पल थाने में। और कल इन्होंने ये ईंट भी गिरवा दी है, ये सामने रखी हुई है कि ये अब ये आगे से बंद करने के मूड में है। इसको ये पूरा बेराई हो जावे। हमने 2016 में लिख के दिया था, उस समय कोई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पुलिस में कार्यरत है। हमने परसों आदेश कराए SDM से, वो भी आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और पुलिस वाले हमको लौट के पूछते आपका क्या मतलब है। वैसे हमारे पीछे प्लॉट है, पर ये आम रास्ता को कोई रोक नहीं सकता है। ये हमारे पीछे इसमें प्लॉट है, हमारे अपने प्लॉट है, तो हम आखिर में अगर बनाए तो हम कहाँ से जाएंगे इसमें रास्ते। कब्जा कर रखा, क्या मामला है सर? गुलाब बाग में सर, जो गुलाब बाग में कब्जा कर रखा है, हमने लेखपाल कानून को जांच के लिए दिया है, रिपोर्ट आ जाएगी उसके खिलाफ।